विरोधाभास किसे कहते हैं? विरोध जैसा लगे किंतु विरोध ना हो, वह है विरोधाभास। प्रतीति हो बस, लेकिन सचमुच विरोध ना हो। अभास का अर्थ ही होता है प्रतीति, जान पड़ना, भ्रम होना। वह विरोधाभास है। तो गुने में बताओ कि कबीर वाणी में विरोधाभास है कि नहीं है? उमेंद्र तुम बताओ, अंतर विरोध किसे कहते हैं? कल बताया था ना कि अंतर विरोध कबीर वाणी में, अंतर विरोध वैज्ञानिक विद्वान लोग मानते हैं। तो अंतर विरोध का अर्थ क्या हुआ है? तो कबीर वाणी में अंतर विरोध है, कबीर साहब ने अपनी बातों में विरोध किया है कि नहीं किया है? हैं? कैसे नहीं किया है? ठीक से पढ़ो भाई, तब समझ में बात आएगी। मानवीय एकता और राष्ट्रीयता, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबके शरीर में एक ही जैसे तत्व लगे हुए हैं। उन्हीं मिट्टी, पानी, आग, हवा से सबका शरीर बना हुआ है। सबके शरीर के अंग, इंद्रियां एक जैसे हैं और सभी शरीरों में एक जैसा, एक गुण, एक ज्ञान गुण संपन्न चेतन विराजमान है, बैठा हुआ है। इसलिए मानव मात्र में तथ्यात्मक और मौलिक एकता है। मूल में मानव मानव के बीच कहीं विरोध नहीं है। सबको सुख दुख की अनुभूति एक समान होती है। सबके अंदर मन है, मन में इच्छा एक जैसी उड़ती है लगभग। मानव मात्र की भौतिक आवश्यकताएं एक जैसी है। भूख लगने पर सबको भोजन चाहिए, प्यास लगने पर सबको पानी चाहिए, रोग लगने पर सबको दवा की आवश्यकता होती है। ठंडी गर्मी सबको जान पड़ते हैं। शरीर की बनावट और देश काल के अनुसार इतने कम ज्यादा भले हो, लेकिन सबको ठंडी गर्मी का अनुभव होता रहता है।
इन सारी बातों को देखें तो मानव मात्र में मौलिक एकता है, कहीं विभिन्नता है नहीं। इस तथ्य को समझ ले तो मानव मानव के बीच प्रेम पनपेगा, एकता आएगी। रही बात धार्मिक क्षेत्र में, तो उनमें जो अंतर है शब्दों को लेकर के है। कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई अहुर मजदा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई चेतन कहता है, कोई रूह सोल कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो ये शब्द है ना, मूल तो एक है। सभी लोग सावधान होकर बैठो, कोई सिर गड़ा करके ना बैठो, आंख बंद करके भी ना बैठो। कोई तो अंतर शब्दों को लेकर के है। ये साहब ने कहा कि राम खुदा शक्ति से भी एक है, कौनों का ही नहीं, राम खुदा शक्ति से एक ही बात तो है। लेकिन इन शब्दों को लेकर के लड़ जाते हैं। साहब को कहना पड़ा कि संतों देखत जग बौराना, सांस कहो तो मारन भावे झूठे जग पतियाना। बीच में और पंक्तियां कहते हुए साहब कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक रहे रहे कहे रही माना, आपस में दो लड़न मुए मरम न काहू जाना। हिंदू कहते हैं वे राम प्री, मुसलमान कहते हैं रहीम प्री। दोनों शब्द कह रहे हैं, हिंदू न तो रहीम का मर्म समझना चाहते हैं और न मुसलमान राम का मर्म समझना चाहते हैं। हिंदू यह समझ लें कि जिसे हम राम कह रहे हैं उसे ही मुसलमान रहीम कह रहे हैं, जिसे हम ईश्वर और ब्रह्म कह रहे हैं उसे ही मुसलमान खुदा और अल्लाह कह रहे हैं। यही बात मुसलमान समझ लें, जिसे हम खुदा और अल्लाह कहते हैं उसे हिंदू ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं, जिसे रहीम कहते हैं उसे हिंदू राम कहते हैं। इसलिए इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पूजा करता है, एक नमाज पढ़ता है, बात तो एक ही है, तो इनमें अंतर कहां है? अंतर शब्दों का है, शब्दों के भाव को समझना होगा, शब्दों के अर्थ को समझ लें, लड़ाई बंद हो जाएगी। साहब ने इसलिए और कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौन है बावर आया, अल्लाह राम करीमा के तो हरिहरन नाम धराया। इस पूरे पद में साहब अनेक उदाहरण देते हैं। सोना एक है, गहना अलग अलग है, लेकिन सारे गहने मूल रूप में सोना है। मिट्टी एक है, एक जैसी है, बर्तन अलग अलग है, अंततो गत्वा सारे बर्तन मिट्टी ही है। इसी प्रकार हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हों, ये नाम अलग अलग है,
जलवायु के कारण शरीर की बनावट में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन मूल रूप में सब मनुष्य हैं, अंतर कहाँ है? अंतर कर्मकांड को लेकर, मान्यता को लेकर, कुछ रीति रिवाज को लेकर, लेकिन ये सब आदमी बनाता है। हिंदू और मुसलमान, कबीर साहब के जमाने में ये दो मुख्य थे, इन्हीं दोनों से साहब का संबंध ज्यादा था और दोनों लड़ रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान, एक दाढ़ी रखा रहा था, एक चोटी रखा रहा था, एक खतना करा रहा था, एक जनेऊ पहन रहा था। साहब ने पूछा कि तुम दाढ़ी और चोटी, खतना और जनेऊ को लेकर लड़ते हो, तो क्या ये बताओ कि जो हिंदू है चोटी और जनेऊ, चोटी रखा कर जनेऊ पहन करके माँ के गर्भ से पैदा होता है, और जो मुसलमान है दाढ़ी रख करके और खतना करा करके पैदा होता है? ये तो पैदा होने के बाद लोगों ने मान्यता बना ली। ये तो तुम्हारी अपनी बना मान्यता है, इसको लेकर के क्यों लड़ते हो? ये दो रास्ते तुम्हारे कितने चलाए, ये तो तुम्हारे बनाए हैं। साहब ने इसलिए कहा कि हिंदू त्रुक की एक रहा है सदगुरु सोई लखाई, हिंदू और त्रुक दोनों का एक ही रास्ता है, दया करुणा प्रेम समता संयम। इसको भूल गए, साहब और भी कह देते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतों राम न कहो खुदाई। इन प्राणी, इन प्रत्यक्ष जो प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, इनको छोड़ करके न कहीं राम है न कहीं खुदा है, इनको समझो। इस प्रकार साहब मानवीय एकता की बात कहते हैं। सांप्रदायिक भावना और जाति भावना को लेकर के लड़ना हट है अज्ञान, नासमझी। इस प्रसंग में उदाहरण दिया गया है, वैसे उदाहरण दिया गया क्या है, मूल रूप में देखें तो जितने मनुष्य हैं सबके मौलिक उत्पत्ति एक जैसी है, जिसे आज हिंदू और मुसलमान कहा जाता है, उनका मूल देखें तो मूल एक जैसा। मुसलमान और हिंदू आर्य परंपरा मूल में जाएंगे तो एक होगा, आज के जो मुसलमान है देखेंगे तो। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दोनों में एक जैसे चलते हैं, लेकिन अलग अलग मान लिया। इस संदर्भ में उदाहरण दिया गया है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्निमीले पुरोहित तम यज्ञस, तो ये जो शब्द है अग्निमीले, इसकी व्याख्या करते हुए सानाचार्य ने कहा है अग्निमीले तो अग्नि नाम कम देवता, अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और जो इले हैं इल स्तौम, जो इल है वो स्तौम है,
फिर उदाहरण देते हैं ईड़, इत ताविद धातु। ईड़ जो धातु है स्तुति परक, वंदना परक, यही बात मुसलमान के यहां है। अल और इलाह, अल्लाह जो शब्द है, अल और इलाह दोनों को मिला करके बना है, और इलाह का होता है वहां पर पूजनी। ऋग्वेद का इले उसका अर्थ है पूजनी, पूज्य। अल्लाह का जो इलाह है उसका अर्थ है पूजनी, पूज्य। मूल तो दोनों एक ही है, अंतर कहां है इसमें? अब दोनों ने इसको स्वीकार किया। हिंदू लोग गाय को पूज्य मानते हैं। गाय मारना हिंदुओं के यहां भयंकर पाप। मुसलमान लोग गाय की कुर्बानी करते हैं और कहते हैं गाय की कुर्बानी करना पुण्य है। अभी देखो 2 तारीख को आ रही है बकरीद। बकरीद के दिन लाखों करोड़ों बकरे काट डाले जाते हैं। बात यहां यह है, जैसे हिंदू गायों को पूज्य मानते हैं, लेकिन जो बकरीद शब्द है मुसलमानों का, उसका मूल अर्थ क्या है? बकर और ईद, ये दो शब्द मिलकर के बकरीद बना हुआ है। बकर का मूल अर्थ है गो, गाय, और ईद का अर्थ होता है पूजनी, गाय पूज्य है। बकरीद का ये मूल अर्थ है। हिंदू भी गाय को पूज्य मानते हैं और बकरीद का अर्थ है गाय पूज्य है, वहां भी मूल यही है, अंतर कहां हुआ है? अब बदल गई धारणा, हिंदुओं ने कह दिया कि गाय मारना पाप। पहले ऐसा नहीं था, हिंदू भी खाते थे, अब बदल गया। और आज के देखो तो आज गाय को अनजान में भी मार दिया गया तो जमानत होना मुश्किल हो गया है। जैसे आदमी की हत्या से का जो दंड है वो गाय मारने से दंड है। और आजकल बहुत चल रहा है इसमें गाय को लेकर के खुराफात। हिंदू लोग कहते हैं गाय पूज्य है। पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम है, सब मुसलमान है। भारत में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कहीं पर, पाकिस्तान में जहां हिंदू कम है मुसलमान ज्यादा है, वहां प्रत्येक वर्ष 17 लाख टन गाय मांस का उपयोग होता है। 17 लाख टन मतलब 170,000 क्विंटल गाय का मांस वहां लोग खा जाते हैं। भारत में जहां हिंदू ज्यादा मुसलमान कम है, वहां पर 24 लाख टन का प्रयोग होता है। हिंदू देते हैं भारत, यहां 24 लाख टन गाय मांस खाया जाता है, मुसलमान और पाकिस्तान में 17 लाख टन खाया जाता है। तो ये कहां कौन खा रहे हैं ज्यादा? अब इधर 3-4 साल के अंदर गाय मांस की खपत बढ़ गई है। इधर प्रतिबंध लग गया गाय मारना पर पाप, उधर गाय मांस खाना भी बढ़ गया। अजीब है दुनिया। तो बात यहां यह है कि बकरी
तो बकर का अर्थ, बकर अरबी भाषा का शब्द है, और बकर का अर्थ होता है गो, गाय, बैल, मतलब गाय जाति का पशु बकर है। और ईद का अर्थ है पूज्य, गाय पूज्य है मुसलमान के, बकरीद का अर्थ है, हिंदू यही, हिंदू भी यही कह रहे हैं, अंतर कहाँ होगा दोनों में? तो लेकिन लोग नासमझी बस दौड़ते हैं। पूरा काल में आर्य परंपरा में अग्नि की पूजा होती थी, जिसको इससे भिन्न आर्य परंपरा से भिन्न परंपरा है उसको सामी परंपरा कहा जाता था, आज भी कहते हैं। सामी परंपरा में ईसाई, यहूदी, इलामी हैं। ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों का मूल एक है। आज ईसाई, यहूदी और इस्लाम एक दूसरे के विरोधी बने हैं, लेकिन मूल में देखेंगे तो तीनों का मूल एक है। आर्य परंपरा अग्नि पूजक होती थी, अग्नि की पूजा पूरा काल में, और उसमें देखें तो जो ईरानी लोग थे, आज जहां ईरान में सब मुसलमान बन गए हैं वहां भी अग्नि की पूजा है, पूरा काल में भी अग्नि की पूजा होती थी, और दोनों अग्नि पूजक थे, तो एकता की बात तो वहां भी है। तो प्राचीन काल से देखो और आज देखो है एकता। आर्य परंपरा और सामी परंपरा दोनों में प्रार्थना का महत्व, वैदिक ऋषियों देखो तो इंद्र, अग्नि, मरुत, मरु, सूर्य, अग्नि पूजा वेदों में खूब भरी हुई है, उनकी वंदना की गई है। सामी परंपरा में भी वही पूजा है, पूजा है, प्रार्थना है। धीरे धीरे समाज बदला, आर्य परंपरा जिसको कहा गया जिसमें भारतीय लोग सब आ जाते हैं, वहां पर पूजा तो है लेकिन साथ साथ उसमें विकास हो गया ध्यान का, चिंतन का। और सामी परंपरा में ध्यान चिंतन का विकास ज्यादा नहीं हुआ। ईसाई प्रार्थना करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, और हिंदू पूजा करते हैं, आज भी देख लो अंतर कहाँ है, नाम बदल गया, पूजा, नमाज, प्रार्थना, ये शब्द का अंतर है ना। पूजा में अर्थ है इष्ट के प्रति आत्मनिवेदन करना, प्रार्थना में है यही है, नमाज में यही है, अंतर कहाँ है? मुसलमान घुटने टेक कर नमाज पढ़ते हैं, अक्सर गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि मुसलमान लोग आज घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं, जिसे हिंदू लोग कहते हैं वज्रासन। तो घुटने टेक कर नमाज पूजा करने की बात ऋग्वेद में कई जगह आई हुई है। वशिष्ठ ऋषि सरस्वती नदी के तट पर प्रार्थना करते हुए कहते हैं मितज्ञु भी नमस्य, मितज्ञु भी नमस्य। सानाचार्य इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं मितज्ञु भी प्रावहैर जानु भी नमस्येल नमस्कारई, अर्थात मितज्ञु भी का अर्थ है घुटने टेक कर, जानु जंघा घुटना,
घुटने टेक कर नमस्ते करते नमस्कार करना, घुटने टेक कर नमस्कार करना। आज हिंदू परंपरा में घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं की जाती, प्राय बैठ कर की जाती है। और ऋग्वेदिक ऋषि घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, मुसलमान आज करते हैं, दोनों में एकता तो है। ये अब बदल गया रूप। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं, इस प्रसंग को पढ़ करके वो बातें समझी जा सकती हैं। अब खास बात है राष्ट्रीय एकता। इस संदर्भ में कुछ और ऐतिहासिक बातें लिखी हुई हैं, जिनको पढ़ करके समझ सकते हो, उस पर भी मैं कुछ कहूंगा नहीं। खास बात है राष्ट्रीय एकता। मानवीय एकता तो हम देखते हैं कि मानव मात्र में एकता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, मौलिक रूप से भी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता समझने के पहले समझना होगा राष्ट्र को, कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र का अर्थ मात्र यदि हम कोई एक भौगोलिक खंड मान लें तो हमें चंद्रमा को भी राष्ट्र कहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा भी तो एक भौगोलिक खंड है। लेकिन चंद्रमा को राष्ट्र नहीं कहा जाता है। दुनिया में अनेक राष्ट्र इस समय हैं, ये बस एक सीमा बना ली गई है, यहां से यहां, यहां से हमारा कोई प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं है। ये तो लोगों ने अपने अपनी सीमा बना ली, अपना अपने एक देश मान लिया है। तो राष्ट्र का अर्थ भौगोलिक एकता मात्र नहीं है, राष्ट्र का अर्थ होता है वहां रहने वाले प्राणी मनुष्य। हम राष्ट्रीय एकता की बात करें, उस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते मारते रहे, तो कोई सुख से रहेगा कैसे, आर्थिक और भौतिक और आध्यात्मिक विकास होगा कैसे। राष्ट्रीय एकता तो तभी होगी जब राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग आपस में भेदभाव को भुलाकर प्रेम समता एकता से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, तब राष्ट्रीय एकता होगी ना। और जहां लोग संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, रुपये पैसे को लेकर के परस्पर लड़ भिड़ रहे हों, मारते झगड़ते हों, तो कहां राष्ट्रीय एकता होगी। इसलिए भौगोलिक खंड मात्र को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, वहां रहने वाले जो प्राणी हैं राष्ट्र वे हैं, उनको समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक राष्ट्र में एक विचारधारा के लोग जब रहेंगे तो परस्पर विरोध नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, खास करके धर्म संप्रदाय को लेकर के, पूजा पाठ मजहब को लेकर के। लेकिन ये कहना भी गलत है। जब तक मनुष्य के अंदर पुष्पा भरी रहेगी, मनुष्य के अंदर
पश जागता रहेगा तब तक एक ही विचारधारा, एक ही मान्यता, एक प्रकार की पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हुए भी वे झगड़ते रहेंगे, उनका झगड़ना कम नहीं होगा। लोग कहते हैं भारत में धार्मिक विवाद दंगे इसलिए होते हैं या अनेक मजहब के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबकी मान्यता अलग अलग, इसलिए भारत में दंगे हुआ करते हैं। यदि एक जैसे हो, हिंदू हिंदू ही रहे, तो झगड़ा नहीं होगा। मुसलमान मुसलमान ही रहें तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान में तो मुसलमान मुसलमान है, वहां झगड़ा क्यों होता है? वहां भी मस्जिदें फूंकी जाती हैं, लोगों को धर्म के नाम पर मारा काटा जाता है, वहां क्यों हो गया? अन्य देशों में, ईसाई देशों में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ईसाई हैं, वहां झगड़ा क्यों होता है? हमारे यहां पूरा काल में कौरव और पांडव की लड़ाई हुई महाभारत से, उसमें कौन मुसलमान था, कौन उसमें से ईसाई था, कौन यहूदी था, कौन भिन्न मत वाला था, वो तो एक ही बरादर के लोग थे ना। राम और रावण की लड़ाई हुई, कौन मुसलमान था उसमें दोनों में? राम भी शिव की पूजा करने वाले, रामेश्वर में राम ने शिव की पूजा की, रावण भी शिव की पूजा करने वाले, शंकर के भगत तो प्रसिद्ध है रावण, दोनों शंकर के पुजारी, लड़ाई क्यों हो गई? आज से 500-600 साल पहले भारत में शैव शाक्त और वैष्णव, इनके बीच खूब लड़ाई होती थी, मार काट खून खच्चर होता था। तो शैव शाक्त वैष्णव इन तीनों में मुसलमान कौन? तीनों तो हिंदू है, लड़ाई होती थी। तो लड़ने की आदत जहां आएगी, आदमी जब तक अपने स्वार्थ अहंकार पर संयम नहीं करेगा तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। अब मान्यताएं तो अलग अलग रहेगी ही रहेगी, शिवाजी को लोग मानते हैं कि हिंदुओं के रक्षक थे, मुसलमानों के विरोधी, आज शिवाजी को मुसलमान के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन उस शिवाजी के अंगरक्षक बॉडीगार्ड मुसलमान ही थे। यदि शिवाजी को मुसलमानों से विरोध होता, उन पर विश्वास न होता, तो अपने खास बॉडीगार्ड के रूप में मुसलमानों को क्यों रखते? शिवाजी लड़ाई लड़े तो जैसे मुसलमानों पर ही हमला किया, वैसे हिंदुओं पर भी हमला किया, हिंदुओं से भी लड़े, मुसलमानों से भी लड़े हैं। राणा प्रताप अकबर से उनकी लड़ाई चलती रही, तो अकबर की ओर से राणा प्रताप से जितने लड़ाई लड़ी थी मान सिंह, वो हिंदू ही था। हिंदू क्या था, राणा प्रताप का ही संबंधी था। और साथ साथ
राणा प्रताप का सिपा सालार है, पाकिस्तान सेनापति हकीम खां थे जो मुसलमान थे। बसता ये लड़ाई हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हुई है, लड़ाई हुई है राज्य के लिए, धन दौलत के लिए। तो सब ये जानते होंगे राणा प्रताप मीराबाई के भतीजा, सगा भतीजा, मीराबाई के जो छोटे देवर थे, सगे छोटे देवर, उसी का बेटा राणा प्रताप। अकबर जैसे हिंदुओं से लड़े वैसे मुसलमानों से लड़े, औरंगजेब जैसे हिंदुओं से लड़े वैसे मुसलमानों से लड़े। ये तो लड़ाइयाँ ये राज्य के लिए हुआ करती थी, धर्म को लेकर नहीं लड़ते थे। तो खास बात यह है कि जब तक आदमी के अंदर पस्ता रहेगी तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। यदि मनुष्यता को समझ लिया जाए तो लड़ाई नहीं होगी, मनुष्य मात्र की मौलिक एकता को समझा जाए तो लड़ाई नहीं। तो राष्ट्रीय भावना का अर्थ है राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके साथ प्रेम एकता समता सरलता सहयोग पूर्वक जीवन जीना, चाहे वो किसी मत मजहब के मानने वाले। मजहब अलग अलग हैं रहेंगे, लेकिन सुख से जीने का रास्ता है प्रेम समता एकता सहिष्णुता सरलता सेवा सहयोग, एक दूसरे के विचारों को आदर देना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलाप में विरोध न डालना, विघ्न न उपस्थित करना, बस राष्ट्रीय एकता अपने आप मजबूत हो जाएगी। इस चीज को समझना होगा, इसको समझ लेंगे तो लड़ाई कहीं नहीं होगी। साहब जोर देते हैं मानवता पर, मानवता पर जोर दे। मानवता का मतलब है मानवीय गुण। एक तो मनुष्य का बाहरी आकार प्रकार, वो तो ठीक है मनुष्य तो है, लेकिन उनमें भी मनुष्य शरीर होते हुए मानवता जब आएगी तब अलग है बात होगी। मनुष्य शरीर का मिलना अलग है और मनुष्यता होना अलग है। मानुष मानुष सवे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। श्री राम रहत राय कहते हैं मनुष्य तो सभी कहला रहे हैं लेकिन मानवीय बुद्धि मनुष्य बुद्धि किसी बिरले के पास होती है। साहब को इसीलिए भी कहना पड़ा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काश, हार न होते आवरण त्वचा न बाजन बा। मनुष्य के गुण की विशेषता है। यदि आदमी मनुष्य अपने गुणों पर जोर देने लग जाए तो विवाद नहीं होगा। मानवीय गुण बीज सबके अंदर है, उद्घाटित कौन करता है इसको अलग बात है, लेकिन मानवीय दया हो, दया क्षमा करुणा प्रेम सरलता विनम्रता समर्पण भाव सहिष्णुता, ये गुण किस आदमी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। घोर हिंसक से हिंसक व्यक्ति को भी अपने बेटे के लिए प्रेम होता है, परिवार वालों के लिए प्रेम होता है। जो रात दिन मारने में लगा हुआ है उसे अपने बेटे के लिए प्रेम है, परिवार वालों के लिए प्रेम है, समाजदारों के लिए प्रेम है। लेकिन इसको वो व्यापक रूप दे दे तो सच्चा मनुष्य बन जाएगा। फिर जो साहब कहते हैं कि आदमी के गुणों की विशेषता है, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कहलाने से न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, मानवीय गुणों की आवश्यकता। तो साहब कहना पड़ा मनुष्य
तेरे गुणों की विशेषता, शरीर की विशेषता क्या है, हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा, चामा एक जैसा, उसकी विशेषता क्या है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी मनुष्य मनुष्य बन करके नहीं जीता, बिल्कुल ढोर जानवर जैसा जीवन जीता है। मानुष है के ना मुआ मुआ तो डांगर ढोर, एको जी ठोने लगा भैया तो हाथी वर्षा को कहना पड़ा। मनुष्य बनकर जीने वाले कितने लोग हैं, सब बस कमाना खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, बस इतने मान लिया जीवन जी लिया, इसे मनुष्यता कहाँ है। मनुष्यता समझना है, मनुष्यता का नाम तो है आदमी, और लड़ रहे हैं जानवर जैसा। नाम आदमी, नाम आदमी है, बाहर की आकृति आदमी की है, लेकिन प्रकृति तो लगता है जैसे खूंखार कोई जानवर हो। इसलिए साहब कहना पड़ा कि राम ही सुमरे रन फिरे फिरे और की गए, मानुष के लिए खोड़ी ओढ़े फिरते हैं गए। मनुष्य की खाल में आज भी तो खूंखार जानवर घूम रहे हैं, मनुष्य कैसे कहा जाए उन्हें, जो मानवता को समझता ही नहीं है। सदगुरु कबीर का विशेष जोर मानवता पर रहा है, उसको समझना है, लेकिन सबको समझाया नहीं जा सकता, अपने को समझाया जा सकता है। हम मनुष्य बने, हम मनुष्य बन गए, हमारा काम बन जाएगा। जो आदमी सच्चे अर्थ में मनुष्य बन जाएगा, वह दूसरे का विरोध नहीं करेगा, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो। जितना जितना मनुष्यता की कमी होती जाएगी, मनुष्यता घटती जाएगी, उतना उतना आदमी लड़ता जाएगा, विरोध करता जाएगा, दूसरे रास्ते में रोड़े अटकाता जाएगा, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे पैसे के नाम पर, चाहे और किसी के नाम पर। मनुष्यता घटने पर ही विवाद होता है, मनुष्यता है तो विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नारी कबीर साहब ने नारियों का खूब खंडन किया है, कगुनन ठीक है ना, कबीर साहब नारी विरोधी है कि नहीं बोलो, हैं हैं क्या, नारी नरक की खान है, नारी की झाई पर बंदा हो भुजा है, वहां पर साहब कहते ही नहीं कहते हैं। और तो कामों का आलोचना करना चाहिए था ना, था ना, पुरुष की आलोचना करना चाहिए था, नारी का आलोचना क्यों की है। कामी का आलोचना करना है तो कामी तो पुरुष है, कामनी का आलोचना क्यों करना है। पुरुष आदि से पुरुषों का आलोचना करते हैं, एक ओर से साहब ने कहा है, क्यों कहा, क्या सचमुच में साहब नारी विरोधी थे। लोग मानते हैं, आज भी खूब लिखते हैं विद्वान लोग कि कभी नारी विरोधी थे। अनेक लोगों का कबीर साहब पर यह आरोपण है कि जिस प्रकार कबीर साहब ने ब्राह्मण और शूद्र
हिंदू और मुसलमान को एक समझा। उसी प्रकार उन्होंने स्त्री और पुरुष को एक नहीं समझा, उन्होंने स्त्रियों की नारियों की आलोचना की है। और इसके प्रमाण में उद्धृत की जाती है साखी ग्रंथ की बहुत सारी साखियां, जहां एक ओर से खुल करके नारियों की आलोचना की गई है। तो पहले ही समझना पड़ेगा कि संदर्भ को समझना पड़ेगा कि संदर्भ क्या है, कौन बात किस संदर्भ में कही जाती है या कही गई है। संदर्भ को समझ लिया जाए तो बात समझ में आ जाएगी। पहले हम बीजक में लेते हैं और फिर बीजक के बाहर की बातों को लेते हैं। बीजक में नारी निंदा की कोई बात नहीं है, हाँ कनक और कामनी कह करके आलोचना है। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिनन मिश्रण दुहेल राजत के चुल भुवन, और सांप बिच्छू का मंत्र है महारो झारा जा विकट नारी के पाले पड़े काली कले जा खाए, या ऐसे और दो साखियां हैं। तो वहां कनक और कामनी ये दो शब्द सह प्रयोग करते हैं, प्राय केवल कामनी शब्द का प्रयोग नहीं करते, कनक और कामनी ये दोनों को साथ साथ प्रयोग करते हैं। तो क्यों, कनक और कामनी का अर्थ क्या है? कनक का सीधा अर्थ होता है सोना, और कामनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या काम वासना में उन्मत्त स्त्री। तो सोना कितने लोगों के पास है, और उस जमाने में कबीर साहब के जमाने में सोना तो कुछ लोगों के पास रहा, गरीबों के पास तो सोना का चांदी मिलना भी मुश्किल, मिट्टी के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन हो जाया करते थे, बस तांबा पीतल के बर्तन हो जाए अधिक से अधिक, और जिन्हें शूद्र कहा जाता था उनके पास तो तांबा पीतल का बर्तन भी मिलना मुश्किल, सोना तो बहुत दूर की बात। तो सोना को लेकर के कितने लोग भटक रहे हैं। कनक और कामनी ये जो दो शब्द हैं इनका लक्षणा अर्थ लेना पड़ेगा। कनक का अर्थ है पैसा, रुपया पैसा, और रुपया पैसा में सब कुछ आ जाएगा, मकान जमीन खेत खलिहान, रुपया पैसा सोना चांदी ये सब कुछ आना है। तो कनक अर्थ है धन, रुपया, रुपया मतलब धन, और कामनी का अर्थ है काम की वासना। साहब कहते हैं कनक और कामनी देख करके पैसे का लोभ और काम की वासना इनमें पढ़ करके कोई भटको मत। दुनिया में जितना भी अनर्थ है कहीं भी, उसके मूल में दो ही कारण है, एक तो पैसे का लोभ, दूसरी काम की वासना। रावण की लड़ाई क्यों हुई, काम वासना के मूल में है। कौरव पांडव की लड़ाई क्यों हुई, पैसे का लोभ है, पैसे का लोभ भी है और वहां काम वासना भी है। बड़े बड़े रजवाड़े क्यों लड़ते हैं, धन के कारण से, स्त्री के कारण से, स्त्री तो स्त्री स्त्री कारण से नहीं, वहां पर वहां है वासना। तो कनक और कामनी कहकर सहने आलोचना की है, पैसे का लोभ और काम वासना इसके, यही आदमी भटकता है।
मठ है, मकान है, वो भी पैसा है। तो साहब कहते हैं, ये कनक और कामनी, धन का लोभ और काम की वासना, इनमें तुम पढ़ करके भटको मत। ये इनके मिलने पर और बिछुड़ने पर, दोनों पर तुम्हें कष्ट होंगे। तो कनक और कामनी कह करके साहब ने आलोचना की है। और कनक और कामनी को कहा कि ये माया है, और माया के अनेक रूप साहब ने बताया। उसमें देखो कि माया महाठगनी हम जानी, इस पद में माया के अनेक रूप कहा साहब ने। ये तो कहा कि ब्रह्मा के घर में ब्रह्मानी बैठ गई, शिव के घर में भवानी बन गई, विष्णु के घर में लक्ष्मी बन गई, वहां जी ब्रह्मानी और भवानी पार्वती और लक्ष्मी, वहां ये तो स्त्री। लेकिन यहां नहीं, साहब कहते तीर्थ में पानी है, किसी घर में कानी कौड़ी है, किसी घर में हीरा है, किसी घर में मूर्ति है। तो जो जो हमारे मन को भटका दे, भटकने का कारण बन जाए, वो सब माया। और इसी को लक्ष्य को लेकर साहब ने आलोचना की है। और खास बात है, पुरुष के मन में स्त्री के लिए आकर्षण है, स्त्री के मन में पुरुष के लिए आकर्षण। पुरुष मानता है कि स्त्री शरीर में सुख है, स्त्री मानती है पुरुष शरीर में सुख है, दोनों के मन में दोनों के प्रति आसक्ति है। पूरा काल से ज्यादातर विरक्त साधु तपस्वी हुए हैं पुरुष, स्त्रियों को तो अधिकार ही नहीं था, न पढ़ने का अधिकार, न योग्य पवित्र का अधिकार, न संन्यास लेने का अधिकार। आज भी कहा जाता है स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अब है वो बात अलग, जमाना बदल गया है, रोका थोड़े जा सकता है। तो स्त्री न पढ़ सकती थी, न लिख सकती थी, न तो कोई धार्मिक काम कर सकती थी, न तो त्याग तपस्या साधना मोक्ष का काम कर सकती थी। पुरुषों के लिए खुली छूट थी सब तरफ। तो अधिकतम विरक्त साधु सन्यासी तपस्वी हुए पुरुष। अब पुरुष अपनी साधना से पतित हुए हैं किसी स्त्री के मुंह में पड़ करके, उसमें स्त्री कारण नहीं है, कारण है पुरुष के मन की वासना। किसी के मन में वासना न हो तीसरी क्या करेगी। तो पुरुष के पुरुष स्त्री की वासना में पढ़कर अपनी साधना छोड़ पड़ता है। तो इसलिए पुरुषों को उधर से घृणा कराने के लिए फिर स्त्री शरीर में आलोचना की गई। तो आलोचना इसके लिए हुई है वो गलत, लेकिन मूल में बात है पुरुषों को उस काम वासना से स्त्री शरीर की आसक्ति से हटाना। साक्षी ग्रंथ में एक ओर से जहां नारी निंदा की बात है, मान लो कबीर साहब ने कहा, कितना कबीर साहब ने कहा कितना नहीं कहा बात अलग हम मानते, लेकिन मान लो कबीर साहब ने कहा, तो कबीर साहब ने ऐसी बात क्यों कह दी, देखना पड़ेगा प्रसंग। ये सब जानते हैं कि कबीर ने लिखा नहीं है, कहा है, और कहना कहाँ होता है, समाज के बीच होता है। वो भी समाज के बीच कहना होता है तब प्रसंग देखा जाता है कि हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं वो किस मानसिकता के श्रोता हैं, क्या उनकी आवश्यकता है। कबीर साहब के सामने कुछ ऐसे साधक रहे होंगे, त्याग तप साधना के पथ पर चलने वाले, उनमें किसी ने कहा होगा साहब हम साधना तो करना चाहते हैं
लेकिन मन बहुत चंचल है, स्त्री को देख करके हमारा मन ललचा जाता है, मोहित हो जाता है, स्त्री देख करके मन में काम की वासना आ जाती, क्या करे। तब साहब ने आलोचना की, भाई जिस स्त्री शरीर में तुम आकर्षित होते हो, जिसको देखकर तुम्हारे मन में वासना होती है, आखिर उस शरीर में क्या है। तब वहां पर वो बात कही गई। प्रसंग देखना पड़ेगा ना कि किस प्रसंग में बात कही गई है। वही प्रसंग कहीं सही लगता है, कहीं गलत लगता है। जैसे मान लो ऋग्वेद में ही बात आती है, उर्वशी और पुरुर्वा का संवाद है। उर्वशी अप्सरा थी स्वर्गलोक की, पुरुर्वा राजा थे यहीं के, झूसी के राजा थे, प्रतिष्ठानपुर, पहले प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था, आज झूसी कहा जाता था। तो यहां के राजा थे पुरुर्वा। तो उर्वशी को किसी कारणवश कुछ वर्षों तक धरती में रहना पड़ा। कहा कि कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, कहा पुरुर्वा के पास जाओ। तो पुरुर्वा के पास उर्वशी उसकी पत्नी रानी बनकर अनेक वर्षों तक रही, और पुरुर्वा की बड़ी आसक्ति हो गई उर्वशी के प्रति। समय पूरा हुआ, उर्वशी जाने लगी, अब मेरा समय में तो जा रहा हूं। फिर पुरुर्वा अत्यंत व्याकुल, मोह हो गया था, आसक्ति, अत्यंत व्याकुल। तो उर्वशी समझाती है, पुरुर्वा के समझ बात नहीं आती है। तब उर्वशी कहती है पुरुर्वा से, राजन स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का हृदय भेड़िए के समान होता है। अब एक स्त्री स्त्री कह रही है ना, तो काम मानने के ऋग्वेद कृषि स्त्रियों की आलोचना करने वाले हैं। प्रसंग देखना पड़ेगा। आज भी कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई युवक है, शादी हो गई है उसके, पत्नी घर में है, लेकिन उस युवक का मोह किसी पर स्त्री के लिए हो गया, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। अब घर वाले जानते हैं, ससुराल वाले जानते हैं, उसकी पत्नी जानती है, सभी दुखी हैं। तो उस युवक की मां या उस युवक की सास या उसके अन्य लोग, वो जो दूसरी स्त्री कहते हैं, उस चुड़ैल ने हमारे बेटे को बहका दिया, तो उस चुड़ैल है क्या वो स्त्री? स्त्री स्त्री कह रही ना कि अरे वो चुड़ैल ने हमारे बेटे को नष्ट कर दिया। तो प्रसंग देखना पड़ेगा ना। अब उसी कह दे, अरे फलाने की मां अमुक चुड़ैल कह रही है, तो क्यों कह रही है ये समझना पड़ेगा ना। तो ऐसे प्रसंग देखना पड़ेगा कि कबीर साहब ने जो कहा है वो किस प्रसंग में कहा है। कई बार होता है, आजकल भी अभी भी होता है, यद्यपि दोष अपना है, दो दूसरे नहीं, जैसे कोई लड़की हुई शादी हो गई, शादी हो ससुराल आई, ससुराल आने के बाद कुछ दिन, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद अचानक उसका पति मर गया। अभी वो लड़की अभी तो युवती है, अत्यंत दुखी, अत्यंत दुखी, अब किसके सहारे जीवन जियो, लेकिन रहती घर में। अब घर बीत गया कुछ दिन पश्चात, अब जब पति ने रह गया तो ससुर के मन से, सास के मन से, सबके मन से उधर गया। तो कई बार उसी की सास कहती है, ये चुड़ैल अपने पति को खा गई। तो इसका मतलब, स्त्री अपने पति खाने वाली है, ये गलत है। वो स्त्री उसकी सास की कमजोरी है ना। तो अब किसी शब्द को लेकर के हम कहें को, अरे वो ऐसा कह रही है, स्त्री चुड़ैल है, शादी बाद अपने अपने पति को खा जाती है, भैया वो शादी न करो कोई मानेगा क्या इसको?
तो प्रसंग देखना पड़ता है कि किस प्रसंग में क्या बात है। रही बात स्त्री पुरुष की एकता और समानता की बात, तो साहब कहते हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। इस दुनिया में आधे में स्त्री बसती है आधे में पुरुष, मतलब साहब कह रहे हैं स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। जितना पुरुष अधिकार उतना ही स्त्री का भी अधिकार है। जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, साहब कहते जितने स्त्री पुरुष दुनिया में हैं सब तुम्हारे समान है, तुम्हारे रूप हैं, तुम्हारे परा सदस्य। अब इससे बड़ी समता की बात क्या होगी। पंडित देखो हृदय विचारी तो पुरुषा को नारी, ऐ पंडित हृदय विचार कर देखो कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो साहब जैसे ब्राह्मण और शूद्र हिंदू और मुसलमान को एक मानते हैं, वैसे साहब स्त्री और पुरुष दोनों को एक मानते हैं। हाँ, पुरुषों ने अपने वैरागी भावना में आकर के स्त्रियों की आलोचना की, उनकी कमजोरी है। कबीर साहब के साखी है कि नारी जननी जनक की पाल पोष दे तोष। नारी जननी जनक की, नारी संसार की मां है, पैदा करती है पालती है पोसती है बड़ा बनाती है। नारी जननी जनक की पाल पोष दे तोष, मूर्ख राम विचार कर ताही लगावे दोष। अपनी कमजोरी नहीं समझता है मूर्ख, और स्त्री को दोष लगा तो उन्होंने हमें भड़का दिया। एक कबीर साहब कह रहे हैं, यहां तो पुरुषों का आलोचना है। तो पूरी प्रसंग को देखना पड़ेगा तब बात कही जा सकती है कि हकीकत क्या है। कबीर साहब स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार मानते हैं और दोनों को सभी दिशा में बढ़ने का अधिकारी मानते हैं।